अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ डायनासोर असील चिक। डायनासोर नस्ल नहीं है उसकी, लेकिन डायनासोर उसका मैंने नाम रखा हुआ है। उसकी शक्ल ही ऐसी है डायनासोर का बच्चा लगता है। कद में बहुत छोटा है लेकिन लगता है डायनासोर का बच्चा है। ठीक है, अभी ये गुस्सा हुआ है घर के नीचे, तो आप देख रहे होंगे मुर्गी के साथ। ये इसके साथ जो ब्लैक चूजा घूम रहा है, ये इसी के साथ निकला था। मैं आपको इसकी पिक जो है थंबनेल में भी दिखाई होगी, अभी दोबारा इधर कहीं दिखा दूंगा मैं आपको। तो ये इसके साथ निकला था, तो बाकी सारे बड़े हो गए तो ये छोटा रह गया। ऐसे लगता है कि जैसे इसको सोकड़ा है, लेकिन इसको है नहीं सोकड़ा, है नहीं इसको। ये असील का चूज़ा है। तो कभी अक्सर हमारे जब असील निकलते हैं देसी के साथ, हम कहते हैं कि शायद उनको सोकड़ा है ऐसे वैसे, लेकिन इनको सोकड़ा नहीं होता, ये बड़े ही लेट होते हैं। असील चूज़ा देसी से लेट बड़ा होता है, देसी जो होता है उसके ऊपर फर जल्दी आ जाती है। तो जैसे कि अभी ये चूज़ा है मेरे पास, ये बाकियों से ज़्यादा तेज़ स्पीड से दौड़ता है, लेकिन जो है इसके ऊपर जो है ना फर जो है अभी तक गीली गीली ऐसे लगता है, ऑयली सी फर है इसके ऊपर। तो देखने में तो अभी कुछ नहीं, डायनासोर का बच्चा ही लगता है, लेकिन है जो है ना ये भी अच्छा बच्चा है। इंशाल्लाह मैं ये बड़ा होगा तो इसकी भी आपको वीडियोस दिखाऊंगा। वीडियो का मकसद सिर्फ बनाने का यही था कि आपको एक दफ़ा ये जो है ना चिक दिखाऊं। ये मेरे मियाँ वाली असील का ही चिक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अपने जो है ना मियाँ वाली असील का भी रिव्यू दिखाऊँगा। वो मैंने एक साल पहले शायद दिखाया था, तकरीबन एक साल पहले दिखाया था, मैं दोबारा आपको दिखाऊँगा इंशाल्लाह। ओके फिर फ्रेंड्स, यू कैन अल्लाह हाफिज़।